स्वागत है आपका। आप देखिए इंडिया न्यूज हरियाणा, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते फटाफट खबरों की ओर। सचिन पायलट की वापसी के बाद भी नहीं थम रही अशोक गहलोत की मुश्किलें। विधानसभा सत्र में आज बीजेपी पेश करेगी अविश्वास प्रस्ताव। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को जारी किया है व्हिप, कहा विश्वास मत में कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग करे विधायक। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में जताई भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया है रेड अलर्ट। उड़ीसा में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने कई इलाकों में जताई भारी बारिश की आशंका, अलर्ट जारी। तेजी के साथ खुला शेयर बाजार, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में दिखा उछाल, 150 अंकों की बढ़ोतरी के साथ खुला बाजार। पूरी दुनिया में कोरोना ने मचाया जमकर कहर, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 2,10,79,305। अब तक कोरोना के चलते हुई है 7,53,451 मरीजों की मौत। विश्व में कोरोना ने अमेरिका में मचाया सबसे ज्यादा कहर, अकेले अमेरिका में 54,15,666 केस आए सामने, अब तक 1,70,415 मरीजों की मौत। कोरोना के मामले में दूसरे नंबर पर ब्राजील है, अब तक सामने आए हैं 32,29,621 केस, 1,05,564 लोगों की कोरोना से मौत। रूस में भी कोरोना ने जमकर मचाई तबाही, लगातार बढ़कर कोरोना मरीजों की संख्या हुई 9,07,758। कोरोना में से अब तक 15,384 मरीजों की जान गई। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना ने जमकर कहर बरपाया है, कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर हुई 5,72,865, अब तक 11,270 मरीजों की हुई मौत। देश में कोरोना की नहीं थम रही रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए 64,142 नए केस, मरीजों की संख्या हुई 24,59,613, अब तक कोरोना से गई है 48,144 लोगों की जान। देश में सितंबर से शुरू होगा कोरोना वैक्सीन का दूसरा ह्यूमन ट्रायल, पहले चरण में मिले थे सकारात्मक नतीजे। देश में कोरोना ने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बरपाया है कहर, एक दिन में सामने आए 11,813 नए केस, लगातार बढ़कर मरीजों का आंकड़ा हुआ है 5,60,126। तमिलनाडु में भी कोरोना से हाहाकार, लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 3,20,355, अब तक कोरोना से 5,397 मरीजों की मौत, 53,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए 9,996 नए केस, राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या 2,64,142, अब तक 1,70,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। कर्नाटक में कोरोना से लोगों में दहशत, जानलेवा वायरस से गई 3,614 लोगों की मौत, अब तक सामने आए कुल 2,03,200 केसेस। दिल्ली में सुधर रही कोरोना की स्थिति, 1,34,000 से ज्यादा मरीज रिकवर, अब तक सामने आए हैं 1,49,460 केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में सामने आए 4,537 मरीज, कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हुआ है 1,44,775, अब तक कोरोना के चलते राज्य में गई 2,280 मरीजों की जान। हरियाणा में कोरोना की नहीं थम रही रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए हैं 793 नए केस, प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा हुआ है 44,817, अब तक 511 मरीजों की गई जान। कैथल में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, कोरोना वायरस के 12 नए केस मिले हैं, जबकि एक कोरोना मरीज की मौत हो गई। नूह में 24 घंटों में 6 नए केस सामने आए हैं, 3 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इसके अलावा अब तक जिले में कोरोना से 12 लोगों की मौत हो चुकी है, अब तक एक दिन में 500 के करीब सैंपल लिए जा रहे हैं। अंबाला में कोरोना के 62 नए मामले सामने आए हैं, एक व्यक्ति की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। जिले में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 2,387 हो गई, जिसमें से 405 एक्टिव केस हैं। पंचकुला में कोरोना के 50 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें कुछ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं। कोरोना मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। जिले में अभी तक 4 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। सरसा में कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई है, अब तक जिले में 7 मरीजों की जान जा चुकी है। आज सरसा में 9 नए मरीज भी सामने आए हैं, जिसमें 2 महिलाएं और एक बच्ची भी शामिल है।
फतेहाबाद के अग्रवाल धर्मशाला में क्वारंटाइन किए गए कोरोना मरीजों ने वीडियो वायरल कर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मरीज का आरोप है कि कोरोना मरीजों को बासी रोटियां खिलाई जा रही। कोरोना मरीज के अलावा उसके परिवार के लोगों ने भी प्रशासन पर आरोप लगाया है। वीडियो जारी किया है, बताया है कि कैसे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उनके घर इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाई फेंक कर चले जाते हैं, कोई जानकारी तक नहीं देते। बैठक में विधानसभा सत्र की तारीख पर मुहर लगी है। 26 अगस्त को शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल को लिखा गया पत्र। कैबिनेट की बैठक में गुरुग्राम में मेट्रो की कनेक्टिविटी बढ़ाने का फैसला। 6,821 करोड़ रुपए की लागत से हुड्डा सिटी सेंटर से ओल्ड गुरुग्राम तक मेट्रो विस्तार को मिली है मंजूरी। नया प्रस्तावित कॉरिडोर हुड्डा सिटी सेंटर से शुरू होकर मौलसरी एवेन्यू स्टेशन पर रैपिड मेट्रो रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। 28.8 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में 6 इंटरचेंज समेत 27 स्टेशन बनेंगे। सीएम ने कहा कि पंचायती जमीनों पर अवैध कब्जे को पहले 5,000 से 10,000 प्रति हेक्टेयर था, उसका अब 1% हर साल कलेक्टर रेट बढ़ा दिया गया है, और लेकिन मौजूदा कलेक्टर रेट का 10% से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के पंचायत चुनाव में पहले 42% भागीदारी थी, अब 50% की भागीदारी देने का फैसला लिया गया है। नैतिक मंजूरी दे दी गई है, इसको लेकर बिल लाएंगे। पीटीआई को लेकर सीएम ने कहा कि 2014 से लगातार सुप्रीम कोर्ट में मामला था, फैसले के बाद कुछ संवैधानिक दिक्कतें भी हुई हैं, सरकार ने इसका लिखित एग्जाम लेकर दोबारा भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। ओवरलोडिंग को लेकर सीएम ने कहा कि कई चीजों को हम ठीक भी कर चुके हैं, और साथ ही उन्होंने एक भी चीज ठीक करने की हिम्मत नहीं जुटाई है। ट्रांसफर के लिए कर्मचारी दर दर भटकते रहते थे, हमने ऑनलाइन किया, नौकरियों के लिए व्यवस्था बदली। एसवाइल को लेकर सीएम ने कहा है कि अगर इतना आसान होता तो मामला सुलझ चुका होता, सुप्रीम कोर्ट केंद्र को ऑथोराइज किया है, बैठक अगर होती है तो उसमें जो भी फैसला होगा उसमें सुप्रीम कोर्ट को अवगत करवा देंगे। विपक्ष के आरोपों पर सीएम ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बंद नहीं की गई है, हमने पेंशन बढ़ाई है, कोई विषय है तो दे, नहीं तो जनता की अदालत में धज्जियां उड़ाएंगे। विज ने कहा कि उनका और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से किसी तरह का मतभेद नहीं है, उन्होंने कोई भी टिप्पणी उनके कार्यकाल पर नहीं की है, दुष्यंत से मित्रता और अच्छे संबंध है। विपक्ष को लेकर विज ने कहा कि कांग्रेस का पीटीआई को लेकर दिया गया बयान लॉलीपॉप की तरह है, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कांग्रेस भ्रमित करती है, टूटना और फिर यूटर्न लेना कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व से टूटा हुआ भरोसा दिखाता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि पूरे हरियाणा के 22 जिलों के मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक हुई है। बीजेपी का पहला मंत्र गिव योर बेस्ट टेक अदर्स बेस्ट है, दूसरा मंत्र मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस की सरकार पर घोटालों का आरोप लगाने पर धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस ने कुछ शब्दों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है, दुरुपयोग करना उनके लिए स्वाभाविक भी है क्योंकि वो खुद घोटालेबाज है। ओपी धनखड़ ने कहा है कि बीजेपी के वृक्षारोपण अभियान की समीक्षा भी की। 16 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर हर गांव हर वार्ड में पौधा लगाया जाएगा। पंचकुला में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने गैस ऑपरेटेड शवदाह मशीन का अवलोकन किया। ये मशीन अगले सप्ताह से प्रोसेस में आ जाएगी। नगर निगम की ओर से तकरीबन 68 लाख की कीमत से मशीन को तैयार करवाया जा रहा है। इस मशीन से मृतक के संस्कार के 2 घंटे के बाद ही परिजनों को मृतक के फूल और ऐश्वर्य सौंप दी जाएगी। बाकी जिलों में भी नगर निगम और नगर परिषद इस तरीके की मशीनें तैयार करवा रही। हरियाणा में किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जाएंगे। इसके लिए किसान 21 अगस्त तक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पोर्टल agrihariana.com पर आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में 7 स्पेशल इकोनॉमिक जोनों में लगभग 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य है, जिससे 1 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो। सिरसा के बालासर गांव पहुंचे कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि क्षेत्र के विकास में सड़कों की अहम भूमिका होती है, बेहतर सड़कों से आवागमन सुगम होता है जिससे आमजन के समय और धन की बचत होती है। उन्होंने बताया कि रानिया कस्बे से खारिया होते हुए बालासर से नकोड़ा जाने वाली सड़क पर 7,20,00,000 रुपए और बालासर से रानिया अप्रोच रोड के चौड़ीकरण पर 2,30,00,000 रुपए की राशि खर्च करके शीघ्र ही तैयार कर दिया जाएगा।
हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि दिन प्रतिदिन बढ़ रहे प्रदूषण के चलते इस क्षेत्र को बढ़ाना और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वन्य प्राणियों का संरक्षण जरूरी है। वन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में वन क्षेत्रों को 7 से 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत इस साल करीब 1,25,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। कुरुक्षेत्र आयुष यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं के झमेले से लेकर छात्र अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष दिव्यांश बुद्धिराजा की अगुवाई में यह प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि एमएचए की गाइडलाइंस है कि परीक्षा नहीं होगी, परीक्षाएं करवाना छात्रों को मौत के मुंह में धकेलना होगा, परीक्षाएं छात्रों के हित में नहीं है, इसे स्थगित करना सबके हित में होगा। सोनीपत में तेज बारिश के बाद अधिकारियों के दावों की पोल खोल दी है, सभी के दावे पानी में ही तैरते हुए नजर आए हैं। बारिश के बाद सोनीपत शहर में सभी सड़कों पर 4-4 फुट पानी भर गया है। एमएलए निवास से लेकर गीता भवन चौक बस स्टैंड सभी जगहों पर पानी ही पानी हो गया है, जिसके बाद कहीं गाड़ी रुकी तो कहीं पानी में आने जाने वाले राहगीर गिरे। सोनीपत में तेज बारिश के बाद सरकारी अस्पताल की बत्ती गुल हो गई है, जिसके चलते लोगों को परेशानी हुई। हालात ये हो गए कि मोबाइल फोन के टॉर्च से मरीजों का इलाज करना पड़ा। सरकारी अस्पताल में कई घंटे तक बिजली का अतापता नहीं रहा है, इससे अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों को परेशानी हुई। अधिकारियों के पास से बत्ती गुल होने का कोई दबाव नहीं मिला। सोनीपत में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। सलीमपुर गांव में बरसात से एक मकान गिर गया है, जिससे मकान में रह रहे 15 लोग उसके नीचे दब गए। गांव वालों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया। मकान काफी पुराना था, इसलिए तेज बारिश के चलते वो गिर गया है। जिस समय यह हादसा हुआ है वहां मौजूद लोग खाना खा रहे थे। मकान के नीचे आपको बता दें कि 5 लोग दबे, हालांकि 5 लोगों को नाजुक हालत के चलते पीजीआई के लिए रेफर किया गया। झज्जर के बहादुरगढ़ हल्की में भी देर रात से तेज बारिश के बाद शहर में जलभराव हो गया है। शहर के ज्यादातर कॉलोनियों और सेक्टरों की सड़कों पर जल जमाव देखने को मिला। पानी निकासी की व्यवस्था ठीक न होने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सेक्टर 6 में तेज बारिश ने बुरा हाल कर दिया। बारिश के चलते गुरुग्राम शहर हुआ जलमग्न। कुछ घंटों की बारिश ने ही प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। कोचौक, सुशांत लोक, बस स्टैंड समेत कई इलाकों में जलभराव हो गया। देर रात हुई तेज बारिश ने रोहतक में भी प्रशासन की पोल खोल दी है। कई इलाकों में पानी जमा हो गया है, लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। पौष इलाकों में भी बारिश का पानी जमा हो गया है। मॉडल टाउन के अलावा कई सेक्टर पानी पानी हो गए। आने जाने वाले वाहनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 2 से 3 फुट तक पानी दिखाई दिया। रोहतक में सीएम फ्लाइंग और पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया है ज्वाइंट ऑपरेशन। गुप्त सूचना के आधार पर भलौट किलोई रोड पर बने एक गोदाम से टीम ने अवैध शराब की 2,438 पेटियां पकड़ी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जिस गोदाम से शराब बरामद हुई उसका कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है। वहीं जब पुलिस ने आरोपियों से शराब का रिकॉर्ड मांगा तो आरोपी कोई भी रिकॉर्ड दिखाने में नाकाम रहे। जाखल के कासमपुर गांव से पुलिस ने नशीली गोलियों के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 4,000 नशीली गोलियां बरामद हुई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी पंजाब के पटियाला के रहने वाले हैं, जो बाइक पर नशीली गोलियों की तस्करी कर रहा था। जाखल में पुलिस ने मियोंद चौकी के पास से 2 लोगों को अफीम की तस्करी करते हुए दबोचा है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी संगरूर के आलमपुर गांव के रहने वाले हैं। पुलिस का यह भी कहना है कि मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने शक के आधार पर एक गाड़ी को रोका है, जिसमें तलाशी लेने पर 90 ग्राम अफीम बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। करनाल में बदमाशों का उत्पात देखने को मिला है। बाइक सवार को करीब 10 से 12 युवकों ने जमकर पीटा और उसके सिर पर बोतल तक फोड़ दी है। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची बदमाश वहां से रफू चक्कर हो गए। रोहतक मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों के मामले में पुलिस ने एबीटी स्टाफ को कामयाबी मिली है। मोटरसाइकिल चुराने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। 14 वारदातों का खुलासा हुआ। यमुनानगर में घरवालों से परेशान कल्याण नगर के बुजुर्ग व्यक्ति ने हमीदा हेड पुल से नहर में छलांग लगा दी, जिसके बाद वहां सुबह के समय घूम रहे कुछ लोगों ने मिलकर बाहर निकाला और उसकी सूचना पुलिस को दी। महम के साथ लगते गांव खरकड़ा के पास से गुजर रही भिवानी ब्रांच नहर के पास झाड़ियों में युवक का शव मिला है। मृतक की पहचान खरकड़ा निवासी के तौर पर हुई है। शव के पास से सरफास की गोलियां और शराब की बोतल मिली।